महानगर में आपके साथ शेख इफ्तेखार। जिले के किसानों के मदद के लिए आगे आई महाराष्ट्र नव निर्माण सेना। जिला प्रशासन और शासन किसानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। बीमा कंपनी, खाद की कंपनी और कारखानों वालों के गुलाम बन बैठे हैं। उन्हें आगाह कराने के लिए और किसानों को इंसाफ दिलाने के हेतु महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के पदाधिकारियों ने परभणी के जिला अधिकारी को निवेदन द्वारा अवगत कराते हुए गांव में जो बिजली डीपी तुरंत बिठाए, बीमा कंपनियों द्वारा किसानों का जो फसल का मुआवजा है वो तुरंत दिलवाए, कारखान द्वारा 25,000 रुपए शेयर किसानों को जबरन देने वालों पर कार्रवाई करे, बिजली खेत और गांव में दी जाए, ऐसे मांगों का निवेदन दिया गया। इस निवेदन पर महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के जिला अध्यक्ष रुपेश देशमुख, जिला संगठक श्रीनिवास लाहोटी, अर्जुन टाक, मनोज विसे और उसी के साथ तहसील अध्यक्ष पूर्णा अनिल भुचाले आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। गत वर्षीपासून आम्ही सातत्याने कलेक्टर साहेबांना निवेदन देत आले की प्रत्येक प्रायव्हेट कारखाना, साखर कारखाना 25,000 रुपये शेअर्स घेऊन ऊस तोडायला कंपल्सरी शेतकऱ्याला केलेलं आहे। 25,000 भरल्याशिवाय शेअर्स घेतल्याशिवाय ऊस तोडणार नाही। त्याप्रमाणेच गत वर्षी अतिवृष्टी झाली, शासनानं अतिवृष्टी डिक्लेअर केली, तर आजपर्यंत पीक विमा कंपन्यांनी एकही रुपया शेतकऱ्याला दिला नाही। उलट आज शेतकऱ्यांवर खताचे भाव वाढल्यामुळे अतिरिक्त बोजा पडलेला आहे। कोरोना प्रत्येक गावात जवळपास 50% गावात कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे हे संक्रमित झालेलं आहे। आज माझ्या बऱ्याच एक दोन गावांना मी भेट दिली, मागे 15-15 दिवस झालं गाव अंधारात आहे। हे ह्या गोष्टी आम्ही ज्यावेळेस कार्यकारी अभियंत्यांना बोललो त्यावेळेस डीपी देण्यास साफ मनाई केली, त्यांनी जोपर्यंत पैसे भरणार नाही तोपर्यंत डीपी देणार नाहीत। शेतकऱ्यांचे FRP चे हक्काचे पैसे आज कारखाना बंद होऊन 2-2 महिने झाले तरी पण 1 रुपया त्यांना हक्काचा पूर्ण पैसा त्यांना मिळालेला नाही। फक्त शासनाचा नियम आहे की 14 दिवसात ह्यांना पैसे द्यायचे, 14 दिवसात एकालाही FRP प्रमाणे कुठल्याही शेतकऱ्याला पैसे मिळाले नाहीत। उलट हे दाब दडप करून हे MSP वाले पैसे मागतात सगळे। मग शेतकऱ्याच्या हक्काचे पैसे मिळाले नसल्यावर शेतकरी पैसा भरणार कुठून? आज प्रत्येक गोष्ट मार्केट 2 महिने झालं बंद आहे। मागणी योग्य त्वरित शेतकऱ्याला FRP प्रमाणे व्याजानं पैसे देण्यात यावे व पीक विमा जो काढलेला आहे शेतकऱ्या ते पीक विम्याचे पैसे व्याजासहित मिळायला पाहिजे, एवढीच आमची। सबस्क्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आयकॉन, नेव्हर मिस अन अपडेट। प्रिंसिपल सौ रेखा पर्लीकर गवाने इनका निधन। परली स्थित लक्ष्मीबाई देशमुख महाविद्यालय के प्रिंसिपल सौ रेखा जनार्दन राव पर्लीकर गवाने इनका तारीख 17 मई सोमवार के शाम औरंगाबाद के खानगी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हुआ है। मृत्यु के समय उनकी उम्र 57 साल की थी। उनके पश्चात पति BJP नेता एवं पूर्व विधायक एडवोकेट विजय गवाने, एक अमेरिका स्थित लड़की और माँ और अन्य रिश्तेदार, ऐसा बड़ा परिवार है। प्रिंसिपल पर्लीकर औरंगाबाद विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य थे। एक स्टेटियस ऐसे व्यक्तिमत्व के तौर पर शिक्षा क्षेत्र में पहचाने जाते थे। उनके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रबंध और संशोधन महत्वपूर्ण ठहरे। पर्ली के शिक्षा संस्था बनाने में प्रिंसिपल सौ रेखा पर्लीकर यानी गवाने इनकी बड़ी अहम भूमिका रही। उनके इस निधन से परिवार के साथ शिक्षा क्षेत्र में बड़े अफसोस का माहौल दिखाई दे रहा है। औरंगाबाद जिले के सिल्लोड तहसील स्थित दैनिक लोक झुंझार के मुख्य संपादक, लोकसत्ता युवा संगठना मराठवाड़ा उपाध्यक्ष शेख कलीम शेख हुसैन, ये समाचार लेने के लिए तारीख 17 मई 2021 सोमवार के रोज सुबह 10:30 बजे के दरमियान सिल्लोड शहर के प्रियदर्शनी चौक पर गए हुए थे। वहाँ की पुलिस चौकी के PI सुनील अंधारे और पुलिसकर्मी गुहिनाथ गीते, इन्होंने रुकाते हुए धक्का बुक्की की और पहचान पत्र बताने पर पत्रकार का बाहर फिरने का क्या काम, ऐसा कहते हुए डर खौफ की कोशिश करने लगे और धक्का बुक्की की। एक पत्रकार के साथ इनका ऐसा रवैया तो आम नागरिकों के साथ क्या बढ़ता होगा। इस मामले की जांच कर दोषियों पर पत्रकार सुरक्षा कानून के तहत अपराध दाखिल कर निलंबित करने की मांग शेख कलीम हुसैन ने इन्होंने सिल्लोड के DYSP के पास की है। शहर में पुलिस प्रशासन और महानगर पालिका की ओर से तारीख 17 मई 2021 सोमवार के रोज शहर के जिंतू रोड, विसावा कॉर्नर, गांधी पार्क, शिवाजी चौक, बासमत रोड के काली कमान, इन तीनों जगहों पर RT-PCR जांच की गई। इस समय शहर सहायक SP अविनाश कुमार और नानलपेट की पुलिस, ट्रैफिक पुलिस ने बिला वजह रास्तों से घूमने वालों, गाड़ी वालों पर और बाहर गांव से आने वाले गाड़ी वालों नागरिकों की RT-PCR जांच की गई। जिंतू रोड के विसावा कॉर्नर इलाके में 160 नागरिकों की, गांधी पार्क पर 300 नागरिकों की, तो बसमत रोड के काली कमान के पास 232, ऐसे कुल मिलाकर 692 नागरिकों की RT-PCR जांच की गई।
उसी तरह महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार उनके आदेश पर मनपा के कर्मचारियों ने शहर के किराना दुकान, फल विक्रेता, भाजी विक्रेता इनकी भी आरटीपीसीआर जांच की गई। महानगर पालिका की ओर से शहर के सहायक आयुक्त शिवाजी सरनाइक, अल्केश देशमुख, श्रीकांत कांबड़े, नवा मुंडा पुलिस थाने के एबीआई रामेश्वर तट, स्वच्छता निरीक्षक श्रीकांत कुरा, राजू झोड़पे, मेहराज अहमद, मोहम्मद अब्दुल शादाब, लक्ष्मण जोगदंड, कुणाल भार साकड़े, जय मकरन आदि के पथक ने शहर में दिन भर यहाँ कार्रवाई करती हुई दिखाई दी। परवनी की जनता को अविनाश कुमार, मैं एएसपी हूँ यहाँ, उनको नमस्कार आदाब। और अभी क्या हो रहा है कि हम लोग स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाने वाले हैं, माननीय जिलाधिकारी साहब का और एसपी साहब का क्लियर आदेश है कि परवनी में केसेस थोड़े कम तो हुए हैं, लेकिन अगर ब्रेक द चेन करना है और केसेस ऐसे ही मेंटेन हो, इसके लिए हमें स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाना होगा और टेस्ट्स बढ़ाने होंगे हमें। केसेस कम हुए हैं लेकिन पॉजिटिविटी रेशियो जो बोलते हैं हम लोग कोरोना में, वो अभी भी बहुत हाई है। परवनी उन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में से है जिसमें पॉजिटिविटी रेशियो अभी भी बहुत हाई है, इसलिए नंबर ऑफ़ टेस्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, लॉकडाउन बहुत ही स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। रमज़ान को लेके या और भी कुछ कारणों से हम लोग थोड़ा लिबरल थे पहले कि रोज़ा का महीना है, लोगों को परेशान नहीं करें, बट अब रमज़ान ख़त्म हो चुकी है, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन अब हम लोग लगाएंगे। तो परवनी की आम जनता से हमारा गुजारिश है कि बिना कारण रोड पे अब नहीं निकलें, मास्क लगाएं, और अगर बिना कारण रोड पे निकलेंगे तो हम लोग गाड़ी डिटेन करेंगे, उनकी गाड़ी पुलिस स्टेशन में लगाई जाएगी, हैवी से हैवी फाइन किया जाएगा। फिर आप कंप्लेन नहीं करना कि गाड़ी क्यों डिटेन कर रहे हैं हम लोग, फ़ाइन क्यों लगा रहे हैं। तो स्थापना हो, गाड़ी हो या बिना मास्क के फिरने वाले, सब पे अब स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। और देख रहे हैं हम लोग सबका आरटीपीसीआर टेस्ट करवा रहे हैं, तो और ये टेस्ट फ्री में हो रही है। आप बाहर जाते हैं प्राइवेट में 800-1500 का टेस्ट होता है, यहाँ फ्री में टेस्ट हो रही है। आप बाहर निकलेंगे आपका टेस्ट करवाएंगे हम लोग, मोबाइल पे आपका मैसेज और रिपोर्ट आ जाएगा, तो टेस्ट करवाएंगे और कार्रवाई करवाएंगे। तो इसलिए परवनी की जनता से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि बाहर बिना कारण, बिना एसेंशियल मेडिकल रीजन से नहीं निकलें, निकले तो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी और आपकी बाइक डिटेन कर ली जाएगी। थैंक यू सो मच। जिंतूर शहर में देर रात बेमौसमी बारिश। परवनी जिले के जिंतूर तहसील शहर में 16 मई रविवार के रात 11 बजे से तेज हवाओं के साथ बादल गरजते हुए बेमौसमी बारिश जोरों से शुरू हुई। ये बारिश लगातार रात 3 बजे तक चलती रही। इस दौरान जिंतूर शहर स्थित नूरानी काली मस्जिद के कब्रस्तान में का बड़ा गुलमर्ग का पेड़ मूलियों के साथ उखड़कर कब्रस्तान में गिरा। ये तूफानी हवाओं और बारिश में किसी प्रकार की जानहानि होने की जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। जिला अधिकारी दीपक मुंगलकर, इन्होंने नेट कैफे और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, इन्हें भी प्रशासन द्वारा दी है छूट। कर्फ्यू से इन्हें मिलेगी अब राहत। नेट कैफे और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी अब रहेंगे खुले। परभनी शहर और जिला के नेट कैफे, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और ऑनलाइन परीक्षा के लिए आने वाले परीक्षार्थी, परीक्षा से जुड़े हुए अधिकारी, कर्मचारी और इंस्टीट्यूट चलाने वालों को परीक्षा के समय के लिए जिला प्रशासन द्वारा छूट दी गई है। शहर एवं जिले में अब ऑनलाइन एग्जाम जो तो शुरू हो रही है, परीक्षा शुरू हो रही है, उसी देखते हुए जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर ने इन्होंने ये निर्णय लिया है। उसी के साथ उन्होंने इस निर्णय में ये भी निर्णय बताया है कि जो दूध बिकाने वाले हैं वो सुबह 6 से लेकर 9 बजे तक के समय में अपने एक जगह ना खड़े रुकते हुए बिक्री कर सकते हैं, ऐसी इजाजत दी गई है। उसी के साथ दूध डेयरी को भी जिला प्रशासन द्वारा इजाजत दी गई है। और पहले ही उन्होंने जो आदेश निकाला था 16 मई के रोज, उसमें ये आदेश दिया था कि 1 जून तक क्या क्या बंद रहेंगे और क्या क्या खुले रहेंगे, उसमें उन्होंने भाजी, सब्जी और मार्केट, उसी के साथ साथ दूध विक्रेता, ये चीजें खुले रहते हुए बैंकों को खुला रखने के आदेश जारी किए थे। और उसी के साथ साथ आप ये आदेश देने से कुछ परीक्षार्थियों को ऑनलाइन जो एग्जाम दे रहे हैं उन्हें कुछ समय के लिए राहत मिल चुकी है। इंस्टीट्यूट वालों को भी अब राहत मिल चुकी है और उनसे जुड़े हुए परीक्षार्थी के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उन्हें भी इस मामले से छूट दी गई है। इसलिए ये लोग अपने अधिकार का उपयोग करते हुए अपने दुकानों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा बताया गया है। हमारा न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहा है, इसीलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।